काफ्रिस्तान का दूरदराज इलाका माशरी तमाम तर पहाड़ी इलाका था, लेकिन ये तमाम इलाका जंगलात पर मबनी था और पहाड़ियों पर इस कदर घने जंगलात थे कि दिन के वक्त भी वहाँ शाम का सा माहौल नज़र आता था। लेकिन इन जंगलात में बड़े दरिंदे मौजूद नहीं थे और चूँकि तमाम जंगलात तामीराती लकड़ी के थे, इसलिए काफ्रिस्तान हुकूमत की तरफ से उनकी कटाई के बाकायदा ठेके दिए जाते थे। इस सारे इलाके का सबसे बड़ा शहर माशरी ही था, जो काफ्रिस्तान के दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले में तो छोटा था, लेकिन यहाँ लकड़ी के व्यापारी पूरी दुनिया में आते जाते रहते थे, इसलिए यहाँ हर वक्त खासी रौनक रहती थी। यही वजह थी कि यहाँ होटल भी थे और क्लब भी। माशरी शहर के तकरीबन वस्त में एक बड़ा मोहब्बत था जिसे माशरी मोहब्बत कहा जाता था, और शरीफ अदम इस मोहब्बत का सबसे बड़ा प्रोहत था। वैसे छोटे छोटे मोहब्बत जंगलात के दरमियान में भी मौजूद थे, लेकिन वहाँ सिर्फ साधु सुन्नत ही आते जाते रहते थे। आम लोग शहर वाले मोहब्बत का ही रुख करते थे। मोहब्बत के साथ ही शरीफ अदम की रहायशगाह थी। शरीफ अदम ने शादी नहीं की थी, लेकिन उसकी महल नुमा रहायशगाह में नौजवान औरतों की कमी न थी। इस तरह बेशुमार मुलाजिम भी वहाँ मौजूद थे और शरीफ अदम किसी राजे महाराजे के अंदाज में इस महल में रहता था। इस वक्त भी वो एक कमरे में बिछे हुए तख्त पर आलती पालती मारे बैठा हुआ था। उसके पीछे दो साधु हाथ में तरशोल उठाए मुस्तैद खड़े थे, जबकि दो नौजवान लड़कियां शरीफ अदम के साथ दाएं बाएं उससे तकरीबन चिमटी हुई थीं और बैठी हुई थीं और उसे बारी बारी शराब पिलाने में मसरूफ थीं, जबकि दो लड़कियां तख्त के सामने बड़े वालेहाना अंदाज में नाच रही थीं और शरीफ अदम इस अंदाज में बैठा हुआ था जैसे वो पूरे काफ्रिस्तान का शहनशाह हो। कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक साधुनुमा आदमी अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे के करीब ही रकू के बल झुक गया। शरीफ अदम ने हाथ उठाकर मखसूस अंदाज में झटका तो नाचने वाली लड़कियां और उसके दाएं बाएं मौजूद दोनों लड़कियां उठकर तेजी से साइड में मौजूद दरवाजे में गायब हो गईं। क्यों आए हो जगदेश? शरीफ अदम ने लड़कियों के जाने के बाद सख्त लहजे में कहा। महाराज की खिदमत में लासोना का पिंडत हरी चांद हाजिरी देने के लिए आया है। आने वाले ने उसी तरह झुके झुके अंदाज में इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह अच्छा, भेजो उसे, शरीफ अदम ने कहा। तो आने वाला उसी तरह उल्टे पांव मुड़ा और फिर मुड़कर उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी, जिसका सार बालों से यकसर बेनियाज था और उसने साधुओं जैसा मखसूस लिबास पहना हुआ था, हाथ में तरशोल उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने भी रकू के बाल झुककर शरीफ अदम को सलाम किया। बैठो हरिचंद, शरीफ अदम ने कहा। महाराज की जय हो, पिंडित हरिचंद ने कहा और तख्त के सामने जमीन पर बिछी हुई दरी पर दो जानू होकर बैठ गया। तरशोल उसने अपने सामने रख लिया था। हरिचंद, हमें बताया गया है कि पाकेशिया और काफ्रिस्तान के दरमियान लड़कियों की खरीदो फरोख्त का काम भी तुम करते हो, शरीफ अदम ने कहा। आपको दुरुस्त इत्तला मिली है महाराज, मैं पाकेशिया से लड़कियां खरीदकर यहां काफ्रिस्तान के मुख्तलिफ और बड़े मोहब्बतों में पहुंचाता रहता हूं। आपके मोहब्बत में भी 10 लड़कियां पाकेशियाई हैं, पिंडत हरिचंद ने कहा। लेकिन वो तो सब हमारे धर्म की लड़कियां हैं, शरीफ अदम ने कहा। तो पिंडा तहरीचंद ने फौरन जवाब दिया कि मैं ऐसी ही लड़कियों का धंधा करता हूं। क्या तुम तो मुसलमान लड़कियों को भी पाकेशिया से ला सकते हो, शरीफ अदम ने पूछा। बिल्कुल ला सकता हूं महाराज, लेकिन मुसलमान लड़कियां यहां पहुंचकर खुद को हलाक कर देती हैं, वो किसी तरह भी राम नहीं होती,
डंडा धारी चंद ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुमने दो लड़कियों को अगवा कराना है, उसकी तफसील तुम्हें बता दी जाएगी। तुमने ना सिर्फ उन्हें अगवा करके लाना है, उनके जहन मेरी शक्तियां खुद ही काबू में कर लेंगी। शरीफ अदम ने कहा, हुक्म की तामील होगी महाराज, लेकिन आपकी शक्तियां तो उन्हें वैसे ही पाकेशिया से उठाकर यहां ला सकती हैं। आप तो महामिन्नत हैं महाराज, हरिचंद ने कहा। हम पाकेशिया में अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ये और मामला है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता। शरीफ अदम ने कदरे गुसीले लहजे में कहा, ठीक है महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी, हरिचंद ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। तो शरीफ अदम ने दोनों हाथों से मखसूस अंदाज में ताली बजाई तो दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल होकर झुक गया। मिराठू को तलब करो, शरीफ अदम ने कहा, तो वो आदमी वापस मुड़कर बाहर चला गया। तुम जिस ग्रुप के जरिए काम कराते हो उसे कह देना कि वो इन दोनों लड़कियों को बेहोश करके अगवा करें और सीधा काफ्रिस्तान की हदूद में पहुंचा दें। वहां हमारे आदमी मौजूद होंगे, वो उन्हें वसूल कर लेंगे। और ये सुन लो कि ये दोनों आम लड़कियां नहीं हैं, इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, इसलिए अगर उन्हें फौरी बेहोश ना किया गया तो वो तुम्हारे ग्रुप को भी हलाक कर सकती हैं, शरीफ अदम ने कहा। हुक्म की तामील होगी महाराज, हरिचंद ने कहा। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक नाटेकद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ और रकू के बल झुक गया। पंडित हरिचंद को साथ ले जाओ और इन दोनों लड़कियों के बारे में तमाम तफसीलात उसे बता दो, उनकी तस्वीरें भी उसे दे दो, और जहां जहां भी ये लड़कियां ज्यादातर आती जाती रहती हैं उसके बारे में तफसील भी बता दो, शरीफ अदम ने कहा। हुक्म की तामील होगी महाराज, आइए पंडित जी, मिराठू ने पहले शरीफ अदम के सामने झुककर प्रणाम किया और फिर उसके सामने बैठे हुए हरिचंद से मुखातिब होकर कहा। तो पंडित हरिचंद उठा, उसने त्रिशूल उठाया और फिर शरीफ अदम के सामने झुककर प्रणाम किया और फिर उल्टे कदमों चलता हुआ दरवाजे पर पहुंचकर एक बार फिर झुका और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे मराठू भी चला गया। तो शरीफ अदम ने एक बार फिर मखसूस अंदाज में ताली बजाई तो दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल होकर झुक गया। लड़कियों को बुलाओ, शरीफ अदम ने कहा। हुक्म की तामील होगी महाराज, उस नौजवान ने कहा और वापस मुड़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।